तो आज हम बात करेंगे टूथब्रश की। ओ सॉरी, ये वाला टूथब्रश नहीं, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक टूथब्रश, क्योंकि जमाना चेंज हो गया है। तो ये जो पुराने टाइप के हैं इन्हें फेंक देते हैं, हम लाए हैं नया टूथब्रश, इलेक्ट्रिक टूथब्रश। ये दांतों में जाके घिर करेगा, एक्चुअल में वही करता है। तो आज हम ये देखेंगे कि ये पुराने वाले टूथब्रश से कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, कुछ चेंज है, या फिर ये आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक टूथब्रश हैं उनमें क्या होता है, बटन है और ये जो इसके ब्रिसल्स हैं यहाँ पे मोटर है जो इससे वाइब्रेशन होती है, और ये सारे जो ब्रिसल्स हैं ये वाइब्रेट करते हैं। मैं आपको एक फ्रैंक जो चीज़ ये बताना चाहता हूँ फ्रेंकली, ये कि जब मैंने ये टूथब्रश ऑर्डर किया था तो मेरे को जो एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो इसके ब्रिसल्स हैं वो वाइब्रेट ना करके बल्कि उनके अंदर कुछ मोटर हो जो रोटेट करे ताकि जो क्लीनिंग है वो इफेक्टिव हो। तो जब ये मैंने ऑर्डर किया था तो उसमें डिस्क्रिप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा था, तो ये मैंने ऑर्डर कर दिया था। ये है रियलमी N1 सोनिक, तो ये मैंने रियलमी स्टोर से ऑर्डर किया था। अब मैं ये बताऊँ कि ये कितना इफेक्टिव है। एक्चुअल में क्या है कि इसमें तो इन्होंने 3 मोड दे रखे हैं, ये वाइब्रेशन है, कुछ हल्की वाइब्रेशन है, कुछ फास्ट वाइब्रेशन है, पर बेसिकली काम इसका सिर्फ ये है कि जो इसके ब्रिसल्स हैं आप देख सकते हैं, मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ तो ये सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ मोटर है जो रोटेट कर रही हो जिससे क्लीनिंग इफेक्टिव हो, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वाइब्रेट करता है। इसलिए आप अगर कोई इलेक्ट्रिक टूथब्रश खरीदें तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सिर्फ वाइब्रेशन वाले हैं उससे आप बचें। जैसे कुछ आते हैं जिनमें कि सेंटर में एक राउंड ब्रिसल सेंटर होता है जो रोटेट करता है, वो वाले अगर मिलता है तो वो ले। ये 799 का है रियलमी स्टोर पे, तो मेरे हिसाब से तो ये लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा तो अपना वो पुराने वाला ही है। लेकिन अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने ट्राई किया, मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसमें वाइब्रेशन के अलावा कुछ नहीं है। चलिए देख लेते हैं बॉक्स पैक में इस टूथब्रश के अलावा क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स में आपको ये 4 चीज़ें मिलेंगी। ये है यूज़र मैनुअल, ये आप चाहें तो पढ़ लें कैसे कैसे मोड हैं। ये 2 चीज़ें अलग हैं, ये मोटर है और ये इसका ब्रश है, तो इसको कैसे लगाना है वो देख लेते हैं। और ये अच्छी बात ये है कि इसमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है और टाइप सी ही आपको एक केबल दी जा रही है, तो एक अच्छी चीज़ है, इसे आप अपने फ़ोन चार्ज करने के भी काम में ला सकते हैं। बची बात ये दोनों चीज़, ये मोटर है और ये इसके ब्रिसल है, तो ये इस तरह से आपको मिलेगा। इसको आपको एडजस्ट कैसे करना है कि इस मोटर में इसका जो अंदर ये हॉलो पार्ट है इसको अंदर करना है और इसको रोटेट कर देना है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेट होते ही यहाँ पे एक एरो भी है, आप देख सकते हैं ये एरो, इस डायरेक्शन में आपको इसको रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करेंगे ऑन हो जाएगा और ये ग्रीन और ब्लू लाइट हो जाएगी। ग्रीन लाइट है मतलब इंडिकेट करती है कि ऑन है, और ब्लू लाइट है कि ये इस वाले मोड पर अभी काम कर रहा है। तो सिंपल सा मैकेनिज्म है कैसे इसको सेट करना है। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू, या फिर कहें मेरा पर्सनल ओपिनियन कि कैसा लगा मुझे ये रियलमी N1 सोनिक टूथब्रश। फ्रेंकली तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप इस तरह के जो वाइब्रेशन वाले हैं उसको ना लेकर जो सेंटर में जिसमें सर्कुलर रोटेटिंग ब्रिसल्स होते हैं वो लें तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आप ये लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।